देखो हमें मिलने के लिए कौन आया है। आर्यन, हेलो ब्रो, हेलो हेलो हेलो। तुझे चाहिए क्या स्प्रिंगर या कुछ? कुछ नहीं। हाँ दे ब्रो। नहीं लाया ना, मैंने रिमाइंड किया। नहीं, आई गॉट अ स्लीवर, आई कांट फाइंड इट। वो मेरे पिछले वाले चेस डे वीडियो में किसी ने कमेंट किया था, वेरी वेरी जीनियस ऑब्जर्वेशन बाय द वे। मैं जब भी मेरा पुश डे होता है, जब भी मैं केबल फ्लाइज करता हूँ, आई एम ऑलवेज वेयरिंग दिस, तो मुझे वो स्ट्रीक कंटिन्यू करनी है। तो मैं आर्यन को जिमशार्क स्प्रिंगर दूंगा। और ये भी बहुत लोग पूछते हैं कि आप जिमशार्क के प्रोडक्ट्स कहाँ से लाते हो। एक तो मेरे पास सिर्फ दो है, बहुत सारे नहीं है। और जब भी लाता हूँ तो मेरे जो भी रिलेटिव्स यूएस में रहता है या यूरोप में रहता है, तो वो जब इंडिया आते हैं तब मैं उन्हें लाने के लिए बोलता हूँ। बिकॉज आई थिंक अगर इंडिया से डायरेक्टली ऑर्डर किया तो शिपिंग चार्जेस बहुत ही ज्यादा होते हैं, एंड दो शिपिंग चार्जेस आर इक्वली एज एक्सपेंसिव एज द प्रोडक्ट, तो उसमें कोई सेंस नहीं बनता। व्हाट इज ऑल दिस? दैट्स माय जापानीज टेक्स्ट बुक। Yeah, I figured that out. What is this? Funny guy. What is this? Is he telling him that he's eating? So he is asking him कि क्या हीरो रोहन खाने के लिए जाए? हीरो रोहन? This is the lunch. Okay. क्या करेगा इस information से? It's good. निकालूंगा यहाँ से. Coffee भी करें? खरीद रही है? Nah. मुझे एक बार pre-workout खरीदना है यार. Now that I train in the morning ना, काफी मजा आएगा. हमने अभी तक एक बार भी प्री वर्कआउट खरीदा नहीं है, यू नो? हम बस लोगों से बोरो करते हैं कभी कभी। कॉफी फर्स्ट और वाटर फर्स्ट? कॉफी। थिंक दैट विल गेट स्टक टू माय टंग। नो नो, या वेरी इनकन्वीनिएंट। सॉल्ट, यू नो, आई वांट सॉल्ट। गिव मी क्रिएटिन ना, यू हैव क्रिएटिन। दैट्स अ लॉट ऑफ सॉल्ट ब्रो। इट्स बेटर टू हैव वाटर फर्स्ट। Yeah? Why? Otherwise salt तेरे टंग पे चिपक जाएगा, then you will actually feel the taste. It's a good taste, bro. It's a good taste. It's nice. खा खा, खत्म कर। ऐसे ही देता हूँ हमेशा। क्या बोल रहा है? Yeah. Good. पानी पीता है ना या सिर्फ? नहीं नहीं, हाँ उसके ऊपर। हाँ। शी। Fine. यक। अजीब इंसान। What's happening? Thanks, buddy. ओके गाइस, दिस इज वेदांत। ये यूके में रहता है, हम लोग सेम स्कूल में थे। रहता था अभी इधर आया है। ये क्या कर दिया ब्रो आर्यन? ब्रो दिस इज क्विक एक्सेस फॉर फ्यूल। ये ठोका था। दिस माय ग्रैंडमा ठोकोड एंड दैट हैपेंड। आई वाज इन क्लाउड 9। No, not cloud 9, Ishan Society, Highlands. And I was going straight and I didn't check the rearview mirror. I don't know why. And then I also move the stair. Oh, two members and one guest. Thank you. इससे back strong होता है. Starting off our push day with dumbbell press. और notice करो कि this is not exactly flat and it's not inclined. Somewhere in the middle, I think ये 30 degree incline है या 15. Bro, एक और bench ले लिए. Because there are four of us, ना? Where's the other bench? नहीं, you can't move this. एक और होता था बेंच। हाँ, यो यो यो, कैरी करोगे कोई? यू नो हु विल कैरी इट? हाँ, वी डोंट नीड फोर, वी नीड टू। दो एस पे करेंगे, दो एस पे करेंगे। उधर डाल देना, देयर इज अ लॉट ऑफ स्पेस ओवर देयर। Feeling good? For some reason, Corinthians mein weights bahut light feel karta hai, which is a good thing. Pehle when I joined Corinthians na, मेरा वो गोल था, ये नीचे पड़े हुए काले डंबल्स है ना, उन्हें यूज करना। दिस पोक्स माय थाई दो। या दिस डैम इरिटेटिंग। कम ऑन, लाइट वेट।
Up. Come on. Evolve, gee. Come up, 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 up. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again, I've been going in, I'm fed up with so many things. I gotta just let it all out, I'm talking about the shit they've been talking about. Telling me I should do this, telling me I should do that. Telling me things about rap. Talking the truth and that stab in my back, they will knock me off track, no, no. Too many things have been building, been hard to deal with, I just been drinking. Remember my moves in the past, I'm wondering what was I thinking. Lately I'm living in fear, wondering what if the end is so near. All of this shit going on, the shootings are strong, one shot to the head and I'm gone. I'm losing control but I can't let it go, cause I'm trying to get more and I've been in the moment. I've been in the zone and I'm moving alone, I don't pick up the phone when my family call. I've been doing it wrong and I don't know what's happening. Trying to get what I just been imagining, getting close and I just been examining all of the fake shit the game has been packaging. I've been keeping real, I've been doing what I feel. I've been out here trying to kill every beat, I know I will. Everything I'm working on, where most of the people are so close-minded. They go into school and they work in a job but they don't even like it. I won't be put in a box, nobody telling me what I should rock. Nobody telling me what I should drop, cause I do what I want and just know I don't stop. Recording till 4 in the morning, they snoring. I'm pouring my soul into every story I'm writing, producing. I mix it, I master, I'm building my craft and I'm not looking back. I've been going doing things I wanna do when I want to. Everybody wanna get a win but they not do. Everybody wanna copy you but they not you. Everybody wanna be cool but they not new. Whoa, look how I go, gon' be a dentist, I still got the flow. Never gon' lose cause I'm still doing both. Never gon' lose cause I've been on the road. Come to your state and I'm killing the show. Know that I'm young and I still gotta grow. Know that I'm working the most, know I'm never gon' choke. And I'm looking back down on the people below. I've been keeping real, I've been doing what I feel. I've been out here trying to kill every beat, I know I will. Everything I'm working on, every night another song. They've been quiet all along, they gon' notice when I'm gone. That was the workout. अभी मैं घर आया. वैसे मुझे भूख लगी है बट आई डोंट थिंक कुछ खाने के लिए टाइम है. मुझे दो चीजें लेनी है, कपड़े बदलने हैं और वापस निकलना है. अब क्या करना है वो आपको जल्दी पता चलेगा. एक्स्ट्रा बैटरी, कैमरा. बाय आई. अब द रीजन कि मैंने एक एक्स्ट्रा बैटरी और मेरा कैमरा लिया जो अभी इस कैमरा बैग में है इज बिकॉज हम आर्यन के चैनल के लिए एक कॉमेडी स्किट शूट करने वाले हैं. एंड लुक वेयर वी आर एट गोराजीज. और अगर आपको याद है थर्ड फ्लोर पे इवॉल्व है, दैट्स द जिम वेयर वी यूज्ड टू गो टू. और इवॉल्व के ओनर ने हमें स्पेशल परमिशन दी है जस्ट टू शूट आर्यन वीडियो. वो जिम 1 नवंबर को चालू होने वाली है. हम आज 2-3 घंटे के लिए शूट करेंगे एंड द वीडियो विल होपफुली बी आउट वेरी सून. लास्ट टाइम जब हम इवॉल्व गए थे वॉज इन मार्च. सुपर एक्साइटेड. मैं इस फ्लोर पे भी नहीं आया हूँ. Oh yes. Wow. Yeah, I think एक बार कॉल करके देख ले. Tell him कि हम इधर है. Receptionist को बताएंगे. Do I call? Yeah, call. Memories, memories. Oh, nostalgia, nostalgia, bro. मैं रोने वाला हूँ. This is new. The color of the door. Oh, oh, it's black. It's matte black. Yeah. Nice. नहीं, this is the same. Iconic. I don't think आप लोगों ने इस चैनल पे एक भी व्लॉग देखा. मेरे दूसरे चैनल पे सारे व्लॉग्स ऑलमोस्ट यहाँ पर शूट हुए थे. Wow. Oh. I need all of you to do one very big favor. आर्यन तेरे अभी कितने सब्सक्राइबर्स हैं? 93.8. एक हफ्ते में प्लीज इसे 100K तक पहुंचा दो. आप में से जितने भी लोग देख रहे हो
जाके इसके चैनल को सब्सक्राइब करो. He's gonna put a lot of hard work into this shoot and मैं नहीं चाहता आप लोग ये मिस करें. So description में पहली लिंक आपको इसके चैनल तक पहुंचाएगी. Go hit subscribe right now. वीडियो कंप्लीट हो चुका है. बाकी के जो सीन्स थे उसमें हमें साइलेंस की ज़रूरत थी, बट इस वक्त जिम में काफ़ी नॉइज़ चल रहा है. वैक्यूम क्लीनर वो सब ऑन है, काफ़ी लोग ट्रेन भी कर रहे हैं, सो वो सारे सीन्स हम कल शूट करेंगे. सो आधा शूट ख़त्म हो गया. हम वापस अभी आर्यन के घर पे आए, नहा लिया, चेंज किया और अभी मैं खाना खाने वाला हूँ. शूट्स मेंटली बहुत टैक्सिंग होते हैं दोनों क्रिएटर को और वीडियोग्राफर को, बट स्टिल यू नो अच्छा लगता है. इट्स गुड टू हसल. हमारी एज के ऑलमोस्ट 90% लोग अभी लाइफ में कुछ नहीं कर रहे, सो फील्स गुड टू डू सम वर्क. इसी के साथ आज का वीडियो खत्म होता है. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, लीव अ लाइक, शेयर इट विद अ फ्रेंड एंड सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू टू द चैनल. खूब सारा प्यार, मेहनत करते रहना. आई मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट वन. हैव एन अमेजिंग डे.